होशियारपुर अजनोहा में बालाजी कमेटी होशियारपुर की ओर से समूह संगतों के सहयोग से बालाजी का 11वां वार्षिक जागरण 14 सितंबर की सुबह ही प्रेमवार श्रद्धा से होशियारपुर के दशहरा मैदान में करवाया जा रहा है, जिसके संबंध में कमेटी अध्यक्ष तरुण खोसला से विशेष बातचीत की गई। दोस्तों, होशियारपुर में बालाजी का एक विशेष जागरण करवाया जा रहा है, जो 11वां जागरण है, यहाँ पे कमेटी की ओर से करवाया। हम उसके बारे में बातचीत करेंगे तरुण खोसला जी के बारे में, ये कब करवाया, कहाँ करवा रहा है, इसमें कौन कौन लोग आ रहे हैं और व्यवस्था की सुरक्षा व्यवस्था साथ में जो और भी अन्य कार्यक्रम है वो क्या है, इसके सभी के बारे में बात करेंगे तरुण खोसला। तरुण जी, तो आपका स्वागत है जी दावा। नमस्कार जी, आपका भी स्वागत है। तरुण जी, जो आप बालाजी का जागरण करवाए, कितवा कौन सा है ये? सर, 11वां जागरण हमारी संस्था बालाजी सेवा परिवार 11वां जागरण है। ये सर कहाँ पे करवा रहा है, कब करवाया? ये सर 14 सितंबर शनिवार को ये दशहरा ग्राउंड में जागरण हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी बालाजी दरबार, जो शीतला मंदिर है, जो भगवान की छवि है वो शीतला मंदिर दरबार में है, जो हम सभी बालाजी दरबार के जो सदस्य उन्होंने बनवाई थी, तो उस उपलक्ष्य में वहाँ से शोभा यात्रा निकाली जाएगी और ये जागरण स्थल पर फिर दशहरा ग्राउंड में फिर वहाँ जागरण स्टार्ट होगा। सर, ये जो शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसका टाइम क्या और रूट क्या है? सर, ये शोभा यात्रा 1 बजे पूरे बालाजी दरबार से निकाली जाएगी, जिसमें दिल्ली से, अम्बाले से और हिमाचल से झांकियां भी आएंगी, ढोल नगाड़े भी आएंगे और कुछ एक और भी हैं जो इसमें अपने आप को प्रस्तुत करेंगे, बालाजी के रंग में हम सभी रंगेंगे। 1 बजे से होके पहले सीता मंदिर दरबार, वहाँ से होती हुई शनिदेव मंदिर, कमेटी बाजार, रामा रिफ्रेशमेंट, गौरांगेट, घंटाघर, वहाँ से मंडी की तरफ से होते हुए गौशाला बाजार और सत्यनारायण मंदिर से होते हुए कनक मंडी और फिर जागरण स्थल पे समाप्त होगी। दूसरा जी, जो आपने बताया शोभा यात्रा वगैरह, शोभा यात्रा निकाली जाएगी, इसको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरह का प्रबंध? देखिए, प्रशासन ने हमें हमेशा साथ दिया है। DC मैम कोमल मित्तल जी ने 1 महीने पहले हमने उनको मेमोरेंडम दिया था, उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने उसके उपलक्ष्य में मानते हुए हमारा तीनों जो थाने हैं हमारे साथ लगते हैं, सिटी थाना, मॉडल थाना और सदर थाना, उनकी पुलिस फोर्स को कह दिया और CID ब्रांच से हमें CID के जो होशियारपुर के DSP साहब है उन्होंने खुद मेरे साथ बातचीत की है, पूरी वो जायजा ले रहे हैं और हर चीज़, हर व्यवस्था सुचारू रूप से चले उसके लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। सर, इस बालाजी जागरण में तो भगवान की गुणगान करने के लिए कौन कौन सी है? सर, पहले तो शोभा यात्रा में हमारे जो हैं वो हैं रास बिहारी जी, जो शोभा यात्रा में महाराज का गुणगान करेंगे, उसके बाद दीपक सरगम जी जलंधर से और कन्हैया मित्तल जी जो खुद एक विश्व विख्यात भजन गायक हैं वो लास्ट में जागरण करेंगे, और पहली बार किसी जागरण में होगा कि कन्हैया मित्तल जी जो समाप्ति की महाराज को विश्राम करना है जी, वो अरदास भी वही करेंगे। सर जी, इस बातचीत से पहले जी भी सुना गया था कि कन्हैया मित्तल जी जो इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे, इसमें कितनी स्थायी? सर, पूरी तरह है, उनका मेरे को फोन आ चुका है, उन्होंने अपना शेड्यूल हमें भेज दिया है, मैं होशियारपुर वासियों से कन्फर्म करता हूँ कि वो हमारे साथ शोभा यात्रा में पैदल चलेंगे, कुछ दूर तक चलेंगे क्योंकि उसके बाद उनकी उनको उससे एक दिन पहले भी उनका रात का जागरण है, फिर वो चंडीगढ़ से आएंगे, अगले दिन भी उनका जागरण है, हमारे साथ 1-2 घंटे वो शोभा यात्रा में साथ होंगे, भगवान का गुणगान करेंगे, उसके बाद रात को उन्होंने आके बालाजी के भजन भी हमें सुनाने हैं, तो 1-2 घंटे के लिए मेरी शोटी है कि वो हमारे साथ चलेंगे। तरुण जी, इस जागरण में कितनी जो यहाँ गैदर होने की? सर, पिछली बार का जागरण था कुछ एक, पिछली बार जब जागरण हुआ था पंजाब बंद हो गया था, कुछ सरकारी काम था उस कारण, उस उपलक्ष्य में फिर भी हमें ये उम्मीद थी कि जो हमारी एक एवरेज है कि 20,000+ बंदा पिछले जागरण में था, इस बार जो हमें अपनी तरफ से और प्रशासन सर की तरफ से हमें आउटपुट मिल रहा है कि इस जागरण में 30,000 से 40,000 बंदे कम से कम आएंगे, हमारी व्यवस्था पूरी है, लंगर का इंतजाम सभी के लिए है, और साथ ही साथ जो हम बार बार कह रहे हैं, कल हमारी जो आपसे प्रेस वार्ता हुई थी उसमें हमने बताया था कि बालाजी से जो झंडे आए हैं जी, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि पब्लिक को उसके कूपन बांट दिए गए हैं, बिल्कुल थोड़े कूपन रह गए हैं, वो आप अग्रवाल मोबाइल आशु गुप्ता जी से और रिंकू गुप्ता जी से, यशपाल एंड कंपनी से आप ले लीजिए, क्योंकि अगर हमारे पास कूपन नहीं होंगे, जितने झंडे हैं उतने कूपन हैं, फिर हम किसी को वो भेंट नहीं दे पाएंगे। तरुण जी, इस बातचीत के दौरान हम बालाजी का जागरण, जो 11वां जागरण आप करवा रहे हैं, इस बातचीत के दौरान कोई बात करनी भूल गए और आप जागरण के रिगार्डिंग बताना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, इस तरह की बात?
सर मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आए हम सब मिलके, मैं अकेला या हमारी संस्था अकेली नहीं है, आप साहिबान, ये मीडिया है, प्रशासन है या पब्लिक है, क्योंकि भजन इसलिए गाए जाते हैं कि पब्लिक को अच्छे लगते हैं, भगवान का गुणगान इसलिए किया जाता है कि पब्लिक उनको देखती है सुनती है, और बालाजी तो खुद संकट हरने वाले हैं, तो लोगों की ये 11वें जागरण तक इसीलिए पहुंचे हम 5000 बंदों से लेकर हम आज 40000 मेंबर तक पहुंचे हैं। इसमें से कुछ एक मेंबर हमारे, जैसे हमारे शिव कुमार गुप्ता जी हैं, वो उनको हम श्रद्धांजलि भी देते हैं, वो हमारे मेंबर थे, वो चले गए हैं, उन्होंने शुरुआत की थी, 5000 से हम अगर आज कह रहे हैं 40000 बंदा होगा, तो ये पब्लिक का प्यार है, ये पब्लिक का अपनापन है कि वो अपने जागरण को सुनने के लिए आते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, किसी ना किसी तरह हमारे साथ वो चलते हैं, पब्लिक आगे होती है इस जागरण में, हम पीछे होते हैं, और ये हमारे लिए खुशी की बात है। रण जी एक बात और, जैसे व्यवस्था की बात की गई है, सुरक्षा व्यवस्था की बात की है, इसका मतलब कली व्यवस्था जो मैंने बात किया आपने यहाँ पे लोगों के 20 से 25 जितने भी लोग माने, आपने देखा है हम नहीं पे आपने पास की व्यवस्था कर रखी है या किसी स्पेशल पास की, उसके लिए खुला निमंत्रण है लोगों को जहाँ फिर पास के द्वारा ही आए। सर ऐसा है कि हमारे 4 लाइन बनेंगी जी, एक लाइन नहीं होगी, एक लाइन में सिर्फ जो पास वाली एक लाइन है जी। उसके लिए मैंने कल भी क्लियर किया था कि हमारे साथ पिछले जागरण एक दिन में नहीं होता जी। इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था होती है, किसी की लंगर की व्यवस्था है, किसी ने बैनर बनाने हैं, किसी ने डोर टू डोर लोगों को जो बताना है, कोई प्रेस के साथ कनेक्टेड है, कोई जाके जिस रास्ते से शोभा यात्रा जाएगी वहां पे कनेक्टेड है, एक अलग टीम है उसमें अपने माध्यम से लोगों तक जाकर वो टीम अलग अलग तरह से काम करती है, उसमें हमारे 12 मेंबर हैं, 21 हमारे साथ युवा मेंबर जुड़े हैं, उनको वो टीम अलग अलग तरह से काम करती है, उसमें हमारे 12 मेंबर हैं, 21 हमारे साथ युवा मेंबर जुड़े हैं, उनके परिवार हैं, कुछ साथी ऐसे हैं जो यही कहते हैं पाजी सानू इन्नी सेवा दसो असी कूड़ा ही चकना जी, उत्थों असी गंद नहीं रहन देना, उत्थे असी अपना शहर साफ करना, असी उत्थे लंगर लाने, ये कुछ एक परिवारिक ऐसे मेंबर जुड़ जाते हैं जिनको ये होता है कि जो अगर वो एक महीने से साथ चले तो उनको 1% तो ज्यादा बनता है, ये नहीं है पब्लिक के लिए भी इतने इंतजाम है कि वो बाबा का पूरी तरह से दर्शन करेंगे, गुणगान करेंगे, सारी व्यवस्था है, कुछ एक सिस्टम में 1% वो आगे हैं, ये नहीं कि वो 1% है, हमसे कोई और भी कहता है कि हमारा कोई बीमार है, किसी के घर में कोई लेडी है, बुजुर्ग है, बीमार है, कोई गर्भवती है, उनके लिए भी वो लाइन है कि किसी को ये ना हो कि हमने जागरण में आनंद नहीं उठाया, आनंद उठाना है तो कुछ एक सिस्टम है उसको हमने फॉलो करना है। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण खोसला, तरुण खोसला जी बालाजी कमेटी के सदस्य एवं अन्य अहदेदार हमारे साथ हैं, जिन्होंने जो रात जागरण 14 सितंबर को होने वाला उसके बारे में, उसकी व्यवस्था के बारे में सभी बातों बताया, तो हम भी प्रयास करेंगे अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक, आवाम तक ये बातचीत पहुँचाएँ, ताकि बहुत सारे लोग बालाजी के जागरण और गुणगान सुनने में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, संतों को खुला निमंत्रण है, और साथ ही उन्होंने जो व्यवस्था के बारे में बताया, जो पास हैं, जो किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है, किसी को दिक्कत है, वो भी आ सकता है, उसके लिए स्पेशल यहाँ पे प्रबंध भी किया।